बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सबा कमर। उम्मीद करती हूं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की मेरी जो रेसिपी है वो एक चटनी है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त सी है, जिसमें हम चार चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले फ्रेश पुदीना लेंगे, अदरक लेंगे, लहसुन लेंगे और चौथी चीज़ लेंगे हम अनारदाना। इन चारों चीज़ों को अच्छे से जो है वो हम कूट लेंगे, इनका पेस्ट बना लेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त सी चटनी है, बहुत सी बीमारियों का इलाज है। दिल का मरीज़ जो होते हैं उनके शुगर के लिए, जिनको गैस की प्रॉब्लम है, जिनको मैदे की प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त ये चटनी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अनारदाने को अच्छे से कूट लेंगे। आप इसको ग्राइंडर में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको ये कुंडी और दोरी में बनाऊँगी। अच्छे से इसे हम करें कूट लेंगे। ये देखें, अच्छे से हमने इसको जो है वो कूट लिया है, पीस लिया है अच्छे से। अब इसमें ऐड करेंगे अदरक, इसको भी अच्छे से हम कूट लेंगे। बहुत ही मुफीद और ज़बरदस्त सी हमारी ये चटनी है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अदरक को भी हमने अच्छे से पीस लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे लहसुन, लहसुन को भी अच्छे से पीस लेंगे। तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से पीस लिया। अब हम इसको एक लकड़ी के चम्मच की मदद से अच्छे से निकाल लेंगे। एक प्लेट में हम निकाल लेंगे इसको। और अब हम जो है वो पुदीना जो है इसको भी अच्छे से जो है पीस लेंगे। तकरीबन मैंने एक गुठी पुदीने की ली है, इसको अच्छे से पीस लेंगे अलग से। पुदीना जो है हमारा वो भी जो है वो रेडी होने वाला है। अच्छे से हम इसको करेंगे रेडी। अब इसको भी हम निकाल लेंगे। ये देखिए, अच्छे से हमने जो है इसका भी पेस्ट बना लिया और इसको भी हम निकाल लेंगे। अब उसी बर्तन में निकालेंगे जिसमें अदरक, लहसुन और अनारदाने का जो पेस्ट हमने पहले तैयार किया था, उसी में जो है अब पुदीने का पेस्ट जो है ये भी उसी में ऐड कर देंगे। और अच्छे से जो है इसको हम अब करेंगे मिक्स। मैंने इसमें कोई चीज़ भी नहीं ऐड की। जब आपने इस्तेमाल करना है तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें काली मिर्च का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा आप नमक भी डाल सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी चटनी जो है वो रेडी हो गई है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपने इसकी मकदार जो है वो तकरीबन हाफ़ चम्मच जो है वो लेनी है। आप किसी टाइम भी ले सकते हैं, सुबह टाइम ले लें, दोपहर टाइम ले लें। साथ ही वीडियो ख़त्म।